दूसरा बीवी का मुझे बड़ा खुशी हुई तो उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इंसाफ का तकाजा भी ये है कि हम अपने इदारों को मजबूत करें, जो लोग नाम निहाज लोग मुल्क के मुजरम उनको बिठाया गया है, उनको केफर किरदार तक पहुंचाने के लिए जहां मैं हूं आज वहां उनको जाने की जरूरत है। जेलों की सलाहों के पीछे अडियाला के अंदर शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और जरदारी जैसे मकरू इंसान को जो है वहां पे जाना चाहिए। चौधरी साहब, आपको बार बार गिरफ्तार किया जाता है, इम्तिहान लिया जाता है, 76 साल बूढ़ा, कब तक खान के साथ खड़ा रहेगा? देखिए, जाहिर है कि खान साहब जो है उसका मैं कारकुन हूं और शायद खान साहब जो है वो ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मुझको 22 अगस्त को ये कहा था, ये सुन लें, 22 अगस्त को कहा था कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझ पर भी जुल्म होगा, आजम तुम्हें भी बार बार गिरफ्तार किया जाएगा। देख लें उस आदमी की दूरंदेशी को, उस वक्त भी उसने कहा था और वो बिल्कुल दुरुस्त जो है साबित हुआ। इसलिए गिरफ्तारियां, जेलें, ये हक का रास्ता नहीं रोक सकते। सर, मैं तो मेरे पास तो टेलीफोन भी कोई नहीं था और ये जो गैर कानूनी तौर पे मुझको बंद किया गया रिमांड के अंदर, अल्लाह का शुक्र है कि हाई कोर्ट तो सशक्त हाई कोर्ट।